ऑल वेलकम बैक टू आवर चैनल विनीता जी के तरीके। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर चलिए मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्या बना रही हैं? नमस्कार, आज मैं मूंग की दाल की मंगोड़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने क्या क्या है, मैंने एक कटोरी मूंग की दाल लेके छिलके वाली, उसे रात को भिगो लिया था, सुबह उसको धो के मैंने पीस लिया है। और अब इसमें मैं इसको थोड़ा सा फेटूंगी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चुटकी भर सोडा। ये हमने दाल को पीस लिया था। थोड़ा सा डालूंगी नमक, थोड़ा सा डालूंगी अदरक का रसा, एक चम्मच रसा ही अदरक का, इससे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। दाल को हमें पानी डाल के पीसना है? नहीं, बिना पानी के पीसा मैंने इसको। बिना पानी के आप वो थोड़ा सा तो दाल के साथ पानी वैसे भी चला जाता है, तो ऐसा इसमें पानी नहीं डालना। तो इसको हमें को कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए फेंटना है इसे। एक ही इसमें आपको सर्कुलर मोशन इसमें ऐसे घूम एक ही मोशन में आपको हाथ को आपको चलाना है, जैसे आप ऐसे हाथ को चला रहे हैं। इसको आपको 5 से 10 मिनट तक लगातार इसको ऐसे फेंटिए। जितने अच्छे आप फेंटेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ये जो मंगोरी बन जाएगी आपकी। तो आपको एक ही मोशन में हाथ चलाना है। देखिए ऐसे फेंटना है। अभी मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही फेंटूंगी। फिर हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए ये हमारी दाल फेट चुकी है। हमने 15 मिनट दाल को फेंटा है। मिनिमम तो 15 मिनट है। अगर आपको ज़्यादा फेंटना है तो आप 20 से 25 मिनट तक फेंट सकते हैं। 25 मिनट में आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। वैसे 15 मिनट में भी देखिए, 15 मिनट में देखिए हमारी कितनी अच्छी ये फूल गई। अगर आपको लग रहा है आपके हिसाब से कि आप कैसे फेंट रहे हैं, कम स्पीड से तेज स्पीड से, स्पीड का भी फर्क पड़ता है। तो हमारी 15 मिनट में हो गई। अगर आपकी नहीं होती है तो मैक्सिमम 25 मिनट में आपसे हो जाएगी। इधर हमने सरसों का तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, जहाँ तक ये पक चुका है। अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं। आपको थोड़ी छोटी छोटी ही डालनी है। ये देखिए ये पूरी फिटी हुई दाल की पहचान है। और आपको दाल में भी फर्क लगा होगा, जो पहले बिना फिटी दाल थी और देखिए फिटी हुई दाल कितनी पफी हो गई है। हो रही है ये, कितना पफ आ रहा है उसमें। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी इनको फूलने की भी स्पेस दे देंगे। गैस अभी फ्लेम कम है क्योंकि तेल है, लो टू मीडियम करी भी हमने, मीडियम ही है हमारी फ्लेम। इसको हम पहले फूलने देंगे, तेल गरम था हमारा। देखिए कितनी डबल डबल हो गई है ये, आपको दिख रहा होगा। अब ये फूल जाए फिर हम थोड़ी सी फ्लेम तेज इनको कर लेंगे। तेज कर लिया हमने फ्लेम हमने तेज कर लिया। अभी ये थोड़ी कच्ची है, फिर हम इसको पलटेंगे। देखिए कितने आराम से धीरे धीरे से, जैसा जैसा वो तेल पी रही है वैसे वैसे वो फूल रही है। देखिए क्या आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे से वो फूल रही है। देखिए वो साइड वाली कितनी धीरे धीरे, ये वाली जिसमें मैंने उंगली कर रखी वाली, देखिए कितनी फूल रही है। ये कई बार फूट भी जाती है फूलते हुए, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इनको करना है। कभी कई बार ये फूट भी जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा आराम से करना है इनको। ये देखिए अब सीख चुकी है एक तरफ से, हम इनको थोड़ा सा चला लेंगे। हम इनको जब पलटेंगे, जब ये थोड़ी सी हमें लगेगा कि हाँ ये पलटने लायक हो चुकी है, जब हम पलटेंगे, वरना कच्ची में चिपक जाएंगी। कितनी अच्छी बनी है, उसको हम थोड़ी मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। हमने अब तेज कर दिया फ्लेम क्योंकि अब ये हो चुकी है, तो हम थोड़ा सा इनको सेकेंगे। आपको बस तेल गरम करके ही पकौड़ियों को डालना है। अगर आप एकदम से फ्लेम तेज ही रखेंगे तो आपकी वो जलने का डर है और वो सीखेंगी भी नहीं। इसकी जो मेन मेहनत है वो थोड़ा सा फेंटने की ही है। आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी पकौड़ी बनेंगी। 15 मिनट तो कम से कम, नहीं तो आप 20 से 25 मिनट भी आराम से फेंट सकते हैं। वहाँ पर दाल की भी बात है कि आप कितनी दाल ले रहे हैं, ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से भी दाल की और आप किस स्पीड से फेंट रहे हैं।
ये अब सीख चुकी हैं, थोड़ी हल्की ही रहती हैं ये, ज़्यादा इनको हम वैसे नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमें गोल्डनिश कलर चाहिए होता है, वो इसमें आ चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए इतनी आराम से ये उतर गया। जैसे हम कम फ्लेम करके दूसरा खान भी डाल देगा, तो तेल गरम है हमारा, अब दूसरा खान भी हम डाल देंगे। छोटा छोटा डालेंगे जिससे वो हमें पता चलता रहे कि वो कितनी फूल रही है। आप कढ़ाई भर के आराम से डालिए, वो ना फूलेंगी जब उनको जगह मिलेगी। तो देखिए फूलने लगी है वो, कुछ नहीं होता अगर आपकी गोल शेप नहीं आ रही है, अगर कोई फर्स्ट टाइम बना रहा है तो कोई बात नहीं। एक दो और हम डाल देंगे जहाँ पे स्पेस हमें दिख रही है, अब हम इन्हें फूलने देंगे। फ्लेम अभी हमारी, हमने अब तेज कर लिया फ्लेम, हमने डालते हुए कम कर ली थी, अब तेज कर ली है क्योंकि ये तेज फ्लेम पे ही फूलेंगी। और जो आपको लग रहा है कि सिक गई है उनको, उन्हीं को बस हम पलटेंगे, जो कच्ची है उनको नहीं पलटेंगे। जैसे साइड में अभी वो कच्ची है उनको नहीं हम मिलाएंगे, ये हो गई है तो हम इनको देखते रहेंगे। देखिए कितनी डबल हो गई है, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही हम सारी मंगौड़ी की पकौड़ियाँ उतार लेंगे। हमारी सारी मंगौड़ी की पकौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, देखिए कितनी फूली फूली। और एक मम्मी आपको तोड़ के भी दिखाती हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी बढ़िया बनी है। देखिए गांठ भी नहीं है, कितनी फ्लफी फोकी, बिल्कुल एकदम फोकी पकौड़ियाँ हमारी बनी है। तो चलिए हम आगे का देखते हैं कैसे बनाया जाता है। छौंक तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने थोड़ी सी इसमें से दाल बचा ली है, एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच के करीब ये दाल है। इसमें मैंने थोड़ा सा, ये हमारा खट्टा मट्ठा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप दही को पतला करके कर सकते हैं, खट्टी दही लेके। ये हमने एक कटोरी के करीब है, एक से डेढ़ कटोरी के करीब ये खट्टा मट्ठा है, ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इधर मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग डालना है, दो तीन साबुत लाल मिर्च तोड़ के हम डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, एक से डेढ़ चम्मच। अब इन सबको हम भून लेंगे। और ये जो हमने तैयार करा है इसको हम मिला के अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, आप इसमें टमाटर की ग्रेवी से भी बना सकते हैं। नहीं किसी को मट्ठा पसंद है तो वो टमाटर की ग्रेवी बना ले, और एक बॉइल्ड आलू होता है उसे भी पीस ले साथ में, तो उससे क्या होता है गाढ़ापन आता है। बॉइल्ड आलू को आप पानी में मैश कर लीजिए, टमाटर की ग्रेवी बना लीजिए, वैसे भी बनती है ये। अगर आपको ऐसे नहीं बनानी, आपको दही वाली खाने नहीं पसंद करते, तो आप टमाटर की ग्रेवी बना के और एक बॉइल्ड आलू को पानी में मैश करके और इन सबको मसाले के साथ भून लीजिए, फिर इसमें आप पानी डाल के पकौड़ियों को डाल के पका लीजिए। हमारे यहाँ ये मट्ठे वाली खाई जाती है, दही वाली तो हम वो बना रहे हैं, ये आप दोनों तरह से बना सकते हैं। जैसे एक तरह से कढ़ी बनती है वैसे ये बनती है मंगौली, बस ये दाल की है, फर्क बस इतना है इसमें। कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जैसे भी आपके यहाँ पसंद करते हैं, कम ज़्यादा वैसे आप डाल लीजिएगा। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि मंगौरी में हमने बहुत हल्का सा नमक डाला है। अब इसमें पानी अभी हम और डालेंगे,
अब इसमें एक से दो खद्दे आ जाएंगे, जब इसके अंदर हम थोड़ी सी मंगोई डाल के फिर इसमें पकाएंगे, तो फिर हम मिलते हैं जब इसमें एक या दो वर्ड आ जाएंगे। एक दो खद्दे आने के बाद हम देखते हैं। ये देखिए इसमें खद्दे आ चुके हैं, अब हम ये सारी मंगोरी इसमें डाल देंगे। अभी ये इसमें भी एक दो खद्दे आ जाएंगे जब हम बंद कर देंगे गैस। अभी ये इसमें भी थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे, 5 से 10 मिनट के लिए इसके पका देंगे। आपको पानी कम लगता है तो आप पानी और डाल दीजिएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा पानी में फूलेंगी मंगोरियाँ, तो इसमें अभी ये पानी थोड़ा सा पी लेंगी। अभी थोड़ा सा मैं और इसमें पानी डालूंगी, फिर जब इसमें खद्दे आ जाएंगे, जब ये गाढ़ी हो जाएगी पूरी बन जाएगी। ये देखिए हमने पानी डाल दिया कि जिससे मंगोरी आराम से फूल भी जाए। अब ये पकेंगी, तो बस हमारी ये मंगोरी की सब्जी तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको ये मंगोरी की सब्जी कैसी लगी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जब ये पक जाएगी, तो अभी ये पक रही है सब्जी, फिर हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारी मंगोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसमें गाढ़ापन भी कितना आ गया, पक चुकी है पूरी, और पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट हो रही हैं, ये टूट रही हैं हाथ लगाने से। देखिए पकौड़ी हमारी टूट रही है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें चला नहीं रही हूँ। ये अच्छी लग रही है मंगोरी। अब हमने फ्लेम कम कर दी क्योंकि बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद ही कर देंगे क्योंकि हमारी मंगोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे आप कर रहे हैं बंद। तो ये थी आज मम्मी की रेसिपी, मंगोरी हम कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। बाय।